हाय फ्रेंड्स, तो देखो आजर ए भिडियो आम देखा केमिस्ट्री रो मॉक टेस्ट टू को आम देखा। ठीक अच्छे, तो मॉक टेस्ट वन मैंने कौन ना, आम मॉक टेस्ट वन कौन करते कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो क्वेश्चन को आम डिस्कस करते जो गुड़ाक कि बेस्ट थी आपर सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उपरे। तो आज भिडियो भी आम कौन करवा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो सही सेम चैप्टर रो ही क्वेश्चन को डिस्कस करवा, बट अलग अलग क्वेश्चन को डिस्कस करवा एंड बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी से क्वेश्चन गुड़ाक आम वन बाय वन डिस्कस करवा। ठीक अच्छे, तो चलो तो आज भिडियो को आम स्टार्ट करवा। तो देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन आमको कौन दिया, द काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन इनवॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड। ठीक अच्छे, तमें से कौन कहे ना, जिते गोटे कंपाउंड रे सिग्मा बॉन्ड रो डीलोकलाइजेशन हुए तो सेते बड़े से जो इफेक्ट थाए से इफेक्ट को कौन कहा जाए। तो देखो तो कौन दिया है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड मेजोमेरिक इफेक्ट। तो मेजोमेरिक इफेक्ट को आउ कौन कहा जाए, रिजोनेंस इफेक्ट भी कहा जाए, यस और नो, रिजोनेंस इफेक्ट मध्ये कहा जाए। तो एठी आमे वर्तमान देखिबा जे इंडक्टिव इफेक्ट माने कौन, सपोज करंतु एटा होची हमरो गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड या सहित सपोज करूँ तो गोटे हालोजन ग्रुप अटैच होकर अच्छे। तो हालोजन ग्रुप कौन करे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करे ना, तो हालोजन ग्रुप पाखे कौन आसो, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आसो। तो कार्बन पाखे आसो कौन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो या पाखे डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, या पाखे ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड या पाखे कौन हो, फोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आसो। ठीक अच्छे, तो ये जो इफेक्ट थाए कि गोटे कंपाउंड रु इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करवा किंबा इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा या कहा जाए इंडक्टिव इफेक्ट। आउ ये जो इंडक्टिव इफेक्ट थाए एडा होची दी प्रकार, गोटे होची प्लस आई इफेक्ट आउ गोटे होची माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट रे कौन हुए, प्लस आई इफेक्ट रे आपण मानकर इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए। ठीक अच्छे, इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए ता माने एटी जो आमर कौन होची इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ होची, तो एडा होची आमर माइनस आई इफेक्ट। ठीक, तो जिते कौन हम ना, गोटे कंपाउंड रु इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो तो सेते बड़े आप मैंने जानवे कि से कौ इफेक्ट हो, माइनस आई इफेक्ट हो। आ जिते बड़े सपोज करूँ गोटे कंपाउंड दिखाई से इलेक्ट्रॉन कौन हो ना, सपोज करूँ डोनेट हो, सपोज मुझे एमती लिखिली एन सी एस थ्री सी एस थ्री एंड एटी मुझे लिखिली सी एस थ्री, तो एन उपर अच्छे कौन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो एटी सी एस थ्री अच्छी, सी एस थ्री टा कौन करे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करे ना डोनेट करे, विथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। ठीक अच्छे, ता माने एटी आमे कही परबा एटी कौन होची इलेक्ट्रॉन डोनेट होची, ता माने एटा हमर को इफेक्ट एटा होची प्लस आई इफेक्ट। ठीक अच्छे, तो एटा ला इंडक्टिव इफेक्ट। तो एटी हमर सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल रो डीलोकलाइजेशन होची कि सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल माने जाको आमे कहूचे कौन जो सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड रो डीलोकलाइजेशन तो होउनी। ठीक, तो एटा आमर करेक्ट आंसर हबनी। तापर सेकेंड होची कौन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हूँ गोटे रेजोनेंस रो स्पेशल इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मु रेजोनेंस आपमन को कह दउची, रेजोनेंस माने कौन ना, जिते बेला आप सपोज करंतु हमको गोटे कंपाउंड दिया छि, से कंपाउंड रे कौन अछि ना, हमर कंजुगेट सिस्टम अछि। कंजुगेट माने अल्टरनेट पोजीशन रे डबल बॉन्ड अछि किंबा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अछि, सेता बेले कौन हुए ना, ए सब आपण मानकर ए भला किछि ट्रांसफर हुए। तो कौन हम ना, से जगह आमको आउ गोटे स्ट्रक्चर देखापी मिले। ठीक, तो से जो स्ट्रक्चर टा आमको देखापी मिलला एटा को कहा जाए कौन ना, यार रेजोनेंस कहा जाए। तो यहाँ हूँ रेजोनेंस इफेक्ट। तो जहाँ जिते भी रेजोनेंस थाए तो सी से अधिक स्टेबल हुए। ठीक, तो एटी जदि आम देखा रेजोनेंस जो आम देखापी मिलूँ, एटी डीलोकलाइजेशन कहार हो ना आपण मानक सिग्मा बॉन्ड रो, सॉरी पाई बॉन्ड रो, तो सिग्मा बॉन्ड रो तो होनी तो रेजोनेंस भी हेनी, तमाने मेजोमेरिक इफेक्ट कैंसिल हो गला। तापर जानतु तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट माने कौन, देखो जमती सपोज करूँ आम ये गोटे कंपाउंड ने सी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। ठीक अच्छे, हाइड्रोजन फिलअप करूँ एच टू एच एंड एच थ्री। ठीक अच्छे, तो ये जो आम रहा कौन ना डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पाखर जो कार्बन टा अच्छी या कहा जाए कौन अल्फा कार्बन कहा जाए। ठीक अच्छे, डबल बॉन्ड सहित जी डायरेक्टली अटैच अच्छी कहा जाए अल्फा कार्बन। एंड ए अल्फा कार्बन रे कौन होची, अल्फा कार्बन रे हमरो तीनटा अल्फा हाइड्रोजन अच्छे। ठीक अच्छे, तो या मुझे देखो इरेज करके देखा तीनटा अल्फा हाइड्रोजन केमती अच्छी, ओके आउ डीलोकलाइजेशन केमती हुए। तो ये देखो मुझे तीनटा हाइड्रोजन बॉन्ड बनैली, राइट, एगुडा को कहा जाए कौन अल्फा हाइड्रोजन। तो एटी कौन हुए हाइपर कंजुगेशन रे, ए बॉन्डटा एटी के ट्रांसफर हुए, आउ एटी जो डबल बॉन्डटा अच्छे एटा सी ऊपर को आसिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए। तो यार स्ट्रक्चर टा हमको किसी ए टाइप रो देखापी मिले, सी बॉन्ड एच एच एंड एटी कौन हो, एच उपर कौन से भी बॉन्ड ना बट ओवरलैपिंग अच्छी, से कनेक्ट होकर रोच सिंगल बॉन्ड सी एच
एटी आसो डबल बॉन्ड कहीं ना ए बॉन्डटा एटी ट्रांसफर होगा एंड एटी आसो सिंगल बॉन्ड सी लोन पेयर एच टू ठीक अच्छे। एटा हूँ कौन ना एटा हूँ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो एटी जब आप देखिए देखो ये जो सिग्मा बॉन्डटा था सिंगल बॉन्ड यार डिलोकलाइजेशन है ना नहीं है ताले डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमको कोटी देखिया मिले हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट रे देखिया पाए मिले ठीक अच्छे। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट रो गोटे आप स्पेशल जिनस जाणी रखु देखो जिते बड़े भी आम स्टेबिलिटी चेक करू फर्स्ट आम चेक करू कौन ना इंडक्टिव इफेक्ट तापर रेजोनेंस तापर हाइपर कंजुगेशन ठीक। तो जदि सपोज करूँ गोटे स्ट्रक्चर दिखाई जो थे रेजोनेंस आसूँ तो आम फर्स्ट चेक करवा रेजोनेंस ठीक अच्छे। जदि सपोज करूँ से स्ट्रक्चर आम रेजोनेंस को चेक कर पार ना तो से जगह आम चेक कर तार कौन हाइपर कंजुगेशन को चेक करवा। तो जिते अधिक हाइपर कंजुगेशन हम तो से जगह आम कौन हो तार अधिक स्टेबिलिटी हम ठीक। तो यार एग्जांपल्स एमती आप बुझीपर सपोज करूँ आमको दिखाई ए टाइप रिच्छ दिखाई स्ट्रक्चर ठीक अच्छे। ए टाइप रिच्छे स्ट्रक्चर दिखाई ए टाइप र तो ये देखो अल्टरनेट पोजिशन डबल बॉन्ड अच्छी मैंने आपण मन को रेजोनेंस आसो बट कौटा आपण मन को अधिक स्टेबल हम कमी जानवे से आपने कौन करेंगे ये आपण जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट अच्छे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट रे कौन देखिए हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट रे अल्फा हाइड्रोजन देखिए ठीक अच्छे। अल्फा हाइड्रोजन जो थे अल्फा हाइड्रोजन अधिक हम सी अधिक स्टेबल हम जमी एटी जदि आम देखा देखो अल्फा हाइड्रोजन के थ्री आसो एटी जदि आम देखा डबल बॉन्ड सहित देखो गोटे दुईटा तीन टा चार ठीक रही। तो अल्फा हाइड्रोजन एटी के देखो थ्री 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 तमें ट्वेल्व आसो तो अधिक स्टेबल किए हम ई हम कहीं यार अधिक हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनी पार बुझी आसा। तो यहाँ थी बिल्कुल आपर बेसिक कनसेप्ट यू इफेक्ट उपर आसतु सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखो कौन दिखाई चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन यूजिंग द कनसेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन जो इफेक्ट मुझे कहली बर्तमान हाइपर कंजुगेशन दिखाई है तार स्टेबिलिटी कमी चेक करेंगे देखो से आपने देखिए अल्फा हाइड्रोजन देखो ये जो आपको कार्बोकैटायन टा दिखाई या सहित डायरेक्टली अटैच कतटा कार्बन अच्छा तीन टा अच्छा तो एम होती अल्फा कार्बन ठीक अच्छे। अल्फा कार्बन या सहित तो जिते भी हाइड्रोजन अच्छे से गुडा कौन अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट स्ट्रक्चर केसगला देखो नाइन आसगला सेकेंड स्ट्रक्चर अल्फा हाइड्रोजन केसगला थ्री थ्री सिक्स प्लस वन सेवेन आसगला एटी के अल्फा हाइड्रोजन थ्री आसला एंड एटी अल्फा अल्फा हाइड्रोजन केसला जीरो आसला। तो यूँ जब मुझे कि कौटे अधिक अच्छी ना आपड़ कहे फर्स्ट अधिक अच्छी कौथे अच्छी सेकेंड रे अच्छी थर्ड रे अच्छी तापरे कौन अच्छे फोर्थ रे अच्छे। तो अधिक स्टेबल किए हम जब आम तार इनक्रीजिंग ऑर्डर लिखा तो ये आप कौन हम ना ये आप डिक्रीजिंग ऑर्डर हम तो इनक्रीजिंग ऑर्डर से आमको लिखापी कही ओके। तो इनक्रीजिंग ऑर्डर कौटा होटा हो इनक्रीजिंग ऑर्डर फोर्थ थ्री टू वन ठीक। तो ऑप्शन बी हिज यार करेक्ट आंसर ठीक। तो यही आपने हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट रु चेक करके देखिपारे आइदर आपंती भी करेंगे कौन ना आपने जानते जदि थ्री डिग्री थाए टू डिग्री थाए वन डिग्री थाए एंड मिथेन थाए तो से आपर कौन हुए ना थ्री डिग्रीटा आपर अधिक स्टेबल हुए तापर टू डिग्रीटा हुए तापर वन डिग्रीटा हुए। तो एटी जब आप देखिए देखो थ्री डिग्री अच्छे फर्स्ट तापर टूटा अच्छे सेकेंड डिग्री थर्डटा अच्छे वन डिग्री एंड फोर्थटा मिथेन अच्छे। तो से आपर एरेंज होके तो ये भी आपको कौन ऑप्शन बीटा करेक्ट आंसर होपर आ जातु नेक्स्ट क्वेश्चन को थ्री नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ तो आपने जानते वेस्टेट आसाला तो ये से कौन देना ना ये आपर थ्री पेंटानोन दिखाई बट ये दिखाई कौन प्रोपेन थ्री ओन दिखाई तो से ऑप्शन डी आउ ऑप्शन सी दुटा जाक भूल होता बट ये जब आप भलसे देखिए देखो ये आपको पेंटान वन दिखाई से मुझे नोटिस करी ओके। तो से सीटा आपली तो सीटा भी भूल अच्छी एंड डीटा भी भूल अच्छी से बट एथे कौटा भूल अच्छी खाली आपर सीटा भूल अच्छी ठीक। तो यहाँ कौन आसाला देखो बिट सैट 2014 क्वेश्चन आसाला ठीक। तापर आ जातु नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई देखो करेक्ट आईपीएससी नेम फॉर CS3 CS CS CS3 एंड C2H5 C2H5। तो यही जो भी दिखाई तो ये जो मैंने सपोज करूँ ब्रांच मैंने सीखी नए से कौन करेंगे ना डायरेक्टली नंबरिंग करदे एंड से कौन करेंगे लिखे टू टू डाइथाइल ब्यूटेन लिखे बट ए जगह कौन हो भूल हो ठीक। कहीं देखो आमको चूज करार अच्छे लंगेस्ट कार्बन चेन। तो एथेर देखो दुईटा कार्बन अच्छी एटे अच्छी एथेरे गोटे अच्छी एंड एथेरे दुईटा अच्छी तमें टोटाल आम कार्बन के छटा होगा ना। तो यहाँ हूँ आम कौन ना लंगेस्ट कार्बन चेन ठीक। तो या कौन करेंगे बर्तमान ओपेन करेंगे देखो सी टू एच फाइव
सी एच तापरे सी एच एंड तापरे आसला सी टू एच फाइव ठीक अच्छे। यही सी एच टा सहित तो किए अटाच होती रही है सी एच थ्री, तो ये मुझे लिखिदेव सी एच थ्री एंड या सहित अटाच होती रही किए सी एच थ्री, तो ये मुझे लिखिदेव सी एच थ्री। बर्तमान देखो नंबरी करूँ, एटी दुईटा कार्बन अच्छी, एटी गोटे अच्छी, तीन हो दुई तीन यहाँ हो चार यहाँ होगा पाँच ठीक, सॉरी पाँच तो नुहे छो कहीं दुईटा अच्छी चार पर पाँच आ छ। तो ये जदि आप नंबरी कर सारे नेम जदि लिखे कौन आस थर्ड एंड फोर्थ पोजिशन में मिथाइल ग्रुप दुईटा अच्छी, तो थ्री फोर कौन हो डाई मिथाइल हो येस और नो, थ्री फोर डाई मिथाइल एंड छटा कार्बन जेहतु अच्छी तो यहाँ हेक्सेन, तो थ्री फोर डाई मिथाइल हेक्सेन, तो सही कौटे दिखाई आमको ऑप्शन बी रे दिखाई, सो ऑप्शन बी हो यार करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको जिनसटा को बुझी आसपुर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। हाइपर कंजुगेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टेबिलाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बो कैटायन ठीक अच्छे। तो जदि आम एटी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगेबा तहले को कार्बो कैटायनटा अधिक स्टेबल हबो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण माने नियो पेंटाइल रो स्ट्रक्चर बनांतु, तो नियो पेंटेन रो कोन हेता नेमिंग, तो यहाँ हूँ तार कॉमन नेम आईपीएससी नेम कौन होता है आपको देखो टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन होता है। तो आपड़ी स्ट्रक्चर बनेबे किसी ए भाई आपर बनबो जो थे कि एठी मिथाइल ग्रुप लगे एंड एथी मिथाइल ग्रुप लगे ठीक। तो यहाँ हूँ आपर कौन ना यहाँ हूँ नियो पेंटाइल ठीक अच्छे, नियो पेंटाइल सी एंड एठी आसो सी नियो पेंटाइल हो। तो एठी जदि आपने देखिए देखो अल्फा हाइड्रोजन के अल्फा हाइड्रोजन अच्छी जीरो, तो यहाँ आपण अधिक स्टेबल हेनी। तापर देखो नेक्स्ट दिखाई टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल टा हूँ कॉमन नेम यार आपड़ी आईपीएससी नेम लिखे यहाँ हूँ थ्री डिग्री आपर कौन होता है थ्री डिग्री आपर ठीक अच्छे थ्री डिग्री कंपाउंड। तो एठी जदि आपने कौन करेंगे बर्तमान यार स्ट्रक्चर टा बनेबे किसी ए टाइप आपको देखापी मिले या कहा जाए कौन टर्ट ब्यूटाइल कहा जाए। तो टर्ट ब्यूटाइल को जदि आपने फिलअप करेंगे तो किसी ए टाइप रे येस और नो ये पाइबे। तो एठी जदि आपने भलसे देखिए देखते जो दिखाई टर्ट ब्यूटाइल एठी अल्फा हाइड्रोजन के अल्फा हाइड्रोजन अच्छी एठी नौटा ठीक अच्छे। तापर आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल जदि बनइबे आइसोप्रोपाइल स्ट्रक्चर टा किसी ए टाइप रही ठीक अच्छे, मीनस यहाँ हूँ टू डिग्री, तो एथेर फिलअप करूँ एथेरे फिलअप कले आपने पाइबे कौन ना यहाँ हूँ टू डिग्री, तो अल्फा हाइड्रोजन केतो अल्फा हाइड्रोजन हो सिक्स ठीक। तापर देखो नेक्स्ट आपको जो दिखाई इथाइल, इथाइल जदि आपने लिखे सी एच थ्री सी एच टू यहाँ होके इथाइल कार्बोकैटायन होगा, तो एथेरे अल्फा हाइड्रोजन के थ्री अच्छे, तो सी कौन कौटा अधिक स्टेबल हम, तो कौन अधिक अच्छी टर्ट ब्यूटाइल अधिक अच्छे ना नहीं अच्छी, ताने यहाँ आपण अधिक स्टेबल हम बुझी आसला, सो ऑप्शन बी हो यार करेक्ट आंसर। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट पाई कौटा आपण करेक्ट होता है देखो से कौन कौन इन इंडक्टिव इफेक्ट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज कॉज्ड बाय द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। तो पोलराइजेशन होता है जमीक मुझे देखेली एटी सपोज करूँ अल्काइल ग्रुप अच्छी सहित हैलोजन अच्छी, तो ये आपको पोलराइजेशन होता है मीनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गुड़ाक आपको एपोर्ट साइड को ट्रांसफर हो जाए ठीक अच्छे। तो दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट पर करेक्ट अच्छे। तापर सेकेंड कौन कौन देखो हैलोजेन्स, हैलोजेन्स मानने एक्स ग्रुप जो थे कि आसे क्लोरो ब्रोमो आयोडो यू आसे, तापर एटा होची नाइट्रो, तापर एटा होची सियानाइड एंड एटा होची मिथाइल आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो हैलोजन तो ठीक अच्छी, नाइट्रो भी ठीक अच्छी, सियानाइड भी ठीक अच्छी, बट मिथाइलटा होची इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बट से कौन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ कौन हो फुल हो ठीक अच्छे। तापर देखो थर्ड कौन दिखाई सी एस टू सी एस थ्री, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कहीं अल्काइल ग्रुप आउ ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ठीक अच्छे, तो ये हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ऑप्शन जो आम बिट थ्री अच्छी बिट थ्री टा भी करेक्ट अच्छी। तो ये आम जब देखा तो कौ कौ पॉइंट आम करेक्ट आसला देखो फर्स्टा एंड थर्डटा करेक्ट आसला दैट इज ऑप्शन सी हो यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे, एंड ऑप्शन बीटा कहीं भूल है सी एस थ्री जो भूलगला ठीक अच्छे। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेन नंबर क्वेश्चन द मोस्ट स्टेबल कार्बो आनायन एमंग द फॉलोइंग इज, तो ये जिते भी दिखाई मानों से कौन कौटा अधिक स्टेबल हम ठीक। तो ये देखो कार्बन आनायन दिखाई नेगेटिव चार्ज दिखाई, तो नेगेटिव चार्ज जो जदि एम कौन होती अनस्टेबल होती, तो नेगेटिव चार्जटा से लूज करेंगे से अधिक स्टेबल हे येस और नो। तो ये आपने देखो फर्स्ट आपको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप किसी भी ना, सेकेंड
सेकेंड रे भी आपण मानको नाही, थर्ड रे जी अछि सी तो आहुरी इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो, बट फोर्थ रे देखंतु नाइट्रो ग्रुप अछि, नाइट्रोटा इलेक्ट्रॉन विथड्रो करे, ता माने अधिक स्टेबल के हेबो, ऑप्शन डी टा आपण मानको अधिक स्टेबल हेबो। तापर देखंतु नेक्स्ट 9 नंबर कोन कोछि, 4 I minus Cl minus Br minus the increasing order of the nucleophilicity would be। तो जेते बेले भी हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करथौ, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी टा कोन हेता है ना, हमें जेते बेले ग्रुप रे जाय थौ, ठीक अछि, ग्रुप रे माने कोन, ऊपर तळ को जाय थौ, टॉप टू बॉटम जाय थौ, तो सेते बेले हमरो कोन हेता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करथे, ठीक अछि। न्यूक्लियोफिलिसिटी माने कोन, न्यूक्लियोफिलिसिटी माने होची जो जगह रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होता है, तो सही जगह रे न्यूक्लियोफिलिसिटी टा भी अधिक हुए, ठीक। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन होता है, ताहले इंक्रीज होता है जब तक हमें डाउन द ग्रुप जाए था, तो हमरो कौन कौन आसे देखंतु, फर्स्ट फ्लोरिन, तापर क्लोरिन, तापर ब्रोमिन, तापर आयोडीन। तो से अनुसार जब हमें देखा आयोडीन टा अधिक तल रे आसे, तो आयोडीन टा अधिक हम, तापर आसो ब्रोमिन, तापर आसो क्लोरिन, तो माइनस 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 एंड देन इज फ्लोरिन, बुझी आसला। तो एटा हेजबो आपण मानकर करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन द ग्रुप। तो एठी ऑप्शन रे देखंतु हमको कोटा दिया छै, ऑप्शन ए रे दिया छै ना आई बी आर सी एल, तो एटा हेजबो करेक्ट आंसर। तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, तो एठी तीनटा क्वेश्चन अछि, ओके। तो फर्स्ट देखंतु 10 नंबर क्वेश्चन कोन दिया छै, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिगार्डिंग द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल इज करेक्ट, ठीक अछि। जदि आमे कोनोसे भी फ्री रेडिकल नउछंती, ताहले को ऑर्डरटा आपण मानकर करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करे, तो मु आपनको ऑलरेडी कहि सारछि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, एटा होची आपनको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तापरे देखंतु 11 नंबर कोन कहउछि, द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल अमंग द फॉलोइंग इज, तो एठी जते भी आपण मानको दिया छि फ्री रेडिकल एमानको भीतर से कहउछि मोस्ट स्टेबल, ठीक अछि, मोस्ट स्टेबल सबुठारु अधिक के हेबो। तो एठी देखंतु आपण मानको जो डॉटटा लागिछि, एटा होची आपण मानको कोन ना, आपणको सेंटर मींस जो जगह रे आपण को फ्री रेडिकल टा अछि, ठीक, इलेक्ट्रॉन अछि, तो ता से तो जो ग्रुप टा अटैच थे कि अछि, तो एठी देखंतु CH2 अटैच थे कि अछि, एठी के अटैच थे कि अछि C6H5, एठी के CH3, एठी के CH3। तो आपण जदि भल से देखिबे एठी C6H5 अछि, ता माने एटा बेंजीन ग्रुप टा अछि ना, नै बेंजीन ग्रुप अछि, आ बेंजीन ग्रुप जते बेर भी थाय सेठी एज रेजोनेंस, आ रेजोनेंस जो सेटा कोन एज मोस्ट स्टेबल हेज, दैट इज ऑप्शन बी हेज बाय आरो करेक्ट आंसर। तापर नेक्स्ट देखंतु द लीस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल इज, सबुठारु कम स्टेबल एई भितरु कोटा हबो, कम स्टेबल माने आपण माने एई भला अरेंज करंतु 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तापर आसीबो हमरो CH3। तो देखंतु एथिरे देखंतु एडा होची 1 डिग्री रो, एडा होची को डिग्री रो, एडा भी होची 1 डिग्री रो, एथिरे जदि आपण माने देखिबे एडा होची 2 डिग्री रो, एंड एटा होची आपनको CH3। तो आपण माने जदि भलसे देखिबे, ताहाले आपण मानको कोटा सबुठारु लीस्ट स्टेबल हबो, सेटा हबो आपनको CH3, ठीक, दैट इज ऑप्शन डी हिज बो करेक्ट आंसर। तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर कोन कहउची, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट आईपीएससी नेम, ठीक अछि। एठी देखंतु कोनोसे स्ट्रक्चर देइनी, बट आईपीएससी चारटा नेम देछि, एई भितर हमको चूज करियर अछि कोटा आपण मानको करेक्ट, ओके, बाकी तीनटा आपणको रोंग हबो। तो एथिपाय हमको कौन करिया पड़िबो, देखंतु सब नेमिंग गुडा को आपण मन को समान थिबो, जते बेले भी एई टाइप रो दबो, खाली नेमिंग देइतबो, स्ट्रक्चर दे नथिबो, त आपण मन को नेमिंग त समान थिबो, ठीक अछि। देखंतु 3 इथाइल 4 4 डाइमिथाइल हेप्टेन, 4 4 डाइमिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन, 5 इथाइल 4 4 डाइमिथाइल हेप्टेन एंड 4 4 बिस, दिस मींस मिथाइल, तापर कोची 3 इथाइल हेप्टेन, एति के हमको दिया आइछि। तो एई भितर से कोचे कोटा करेक्ट हबो, देखंथु आपनकर नेमिंग ता तो से सेम दैछि, काहे कि ना इथाइल मिथाइल एंड हेप्टेन अछि, एतिक जनस तो बुझि आसिला, बट ब्रांच टा हमें केमती लगे थौ, जतेबेले भी हमें नंबरिंग करबा, तो नंबरिंग रे सपोज करंथु हमरो जदि फर्स्ट 3 आसिला, तापर दुटा मिथाइल ग्रुप 4 4 आसिला, सेकंड रे हमें कले 4 4 3 आसिला, ठीक अछि। तो एई थ्रु कोटा करेक्ट हबो, तो जदि हमें लेखिबा फर्स्ट हमें कोटा लेखि थौ, तो जदि एठि हमें देखिबा देखंतु इथाइल एंड मिथाइल भीतर, तो फर्स्ट कोटा आसीबो इथाइल टा आसीबो ना नै, इथाइल टा आसीबो, ठीक। तो एठि ताहले हमरो देखंतु ऑप्शन ए ऑप्शन बी भीतर, ऑप्शन बी टा ए थ्रू ही रोंग हे गला ना नै, रोंग हे गला। तापर आ जंतु ऑप्शन ए ऑप्शन सी, तो जते बेले भी हमरो कोन होची इथाइल टा थर्ड पोजीशन रे आसी, आ इथाइल टा फिफ्थ पोजीशन रे आसी, तो हमें कोटा को प्रेफर करबा थर्ड पोजीशन टा को प्रेफर करबा, काहे कि ना हमरो लोएस्ट सम रूल थाए, तो 3 + 4 + 4 करके देखिए, तो एठी पाइबे 11, एठी करके देखिए तो आप मैंने पाइबे 5 + 4 + 4, दैट इज 13। तो लोएस्ट कोटा एटा, तो हमें कोटा प्रेफर करवा ऑप्शन ए टा प्रेफर करवा, तो ऑप्शन सी टा भूल हो, ठीक अच्छे।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅପସନ୍ ଡି ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ବି ଦିଆହେଇଛି 4,4-ବିସ୍ମିଥାଇଲ୍। ତ ବିସ୍ମିଥାଇଲ୍ କ'ଣ, ଆମେ ତ ଡାଇମିଥାଇଲ୍ ଲେଖିଥାଉ ନା, ତ ଅପସନ୍ ଡି ବି ଭୁଲିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର କରେକ୍ଟ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏଟା କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଦ ଆଇପିଏସି ନେମ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ତ ଏଠି ଦୁଇଟା ଆମକୁ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ କିଟୋନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍। ତୋ ହାଏଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅର୍ଡର ହେଉଛି କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଫର୍ଷ୍ଟ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ, ତାପରେ ଥାର୍ଡ, ତାପରେ ଫୋର୍ଥ, ତାପରେ ଫିଫ୍ଥ। ଠିକ୍, ତ ଏଠି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କିଟୋନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ରହିଛି, ୟାର ପ୍ରେଫିକ୍ସ ୟୁଜ୍ ହେବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଦେଖିବା କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ର ସଫିକ୍ସ ୟୁଜ୍ ହେବ। ତ କିଟୋନ୍ର ପ୍ରେଫିକ୍ସ କ'ଣ, ଅକ୍ସୋ, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ, ତାହେଲେ 4-ଅକ୍ସୋ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର କାର୍ବନ୍ ଚେନ୍ରେ 5ଟା କାର୍ବନ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ନା, ପେଣ୍ଟାନ୍ ଓଇକ୍ ଏସିଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝି ଆସିଲା, ତ 4-ଅକ୍ସୋ ପେଣ୍ଟାନ୍ ୱିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଇଯିବ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆଇପିଏସି ନେମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଦ ଆଇପିଏସି ନେମ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ଅପସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇ 2ଟା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ, ବାକି ଯେଉଁ 2ଟା ଅପସନ୍ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଲିଭି ଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଅପସନ୍ ଥିଲା ବାଇ ଦ ୱେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକି ସେଗୁଡ଼ାକ ଲିଭି ଯାଇଛି, ତ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଥିରେ କିଛି ବି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଆମକୁ କନସେପ୍ଟଟା ଶିଖିବାର ଅଛି କି ନମ୍ବରିଂ କେମିତି କରାଯାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲୋରିନ୍ ରହିଛି, ନାଇଟ୍ରୋ ରହିଛି, ଆଣ୍ଡ CH3 ରହିଛି। ତ ବୁକ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଗାଇଡ୍ ବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବରିଂ ୟାର ଭୁଲ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନମ୍ବରିଂ ଏଇ ପଟୁ କରାହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବରିଂ କେଉଁ ପଟ ହେବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲୋରୋ ହେବ, ତା'ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍, ଥାର୍ଡ ପୋଜିସନ୍, ଫୋର୍ଥ ପୋଜିସନ୍। ଏପଟୁ ନମ୍ବରିଂ କାହିଁକି ହେବନି, 8 ପାଇଁ ହେବନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବ୍ରାଞ୍ଚର ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଗଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ ରୁଲ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁଟ୍ କରିକି ଦେଖିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାଲୁଟା ବି ବଢ଼ିଯିବ। ଠିକ୍, ଏଠି ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କେଉଁଟା ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ 1 କ୍ଲୋରୋ ଆସିବ, ଆଣ୍ଡ 2 ନାଇଟ୍ରୋ ଆସିବ, 4 ମିଥାଇଲ୍, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ, ବେଞ୍ଜିନ୍ ଆସିବ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବୁଝି ଆସିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଇପିଏସ୍ସି ନେମିଂ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ କି ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ରୁଲ୍ ରହିଛି ଆଇପିଏସ୍ସି ନୋମେନକ୍ଲେଚର, ସେଇ ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିକି ନେମିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିବା ବିଲକୁଲ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥାଉ, ଅପସନ୍ ହେଇପାରେ, ଭୁଲ୍ ବି ଦେଇଥାଏ। ଓକେ, ବୁକ୍ରେ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ଗାଇଡ୍ ବୁକ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଓକେ, ଭୁଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ବିଲକୁଲ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ କି ସାର୍ ମୁଁ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ପଢ଼ିଥିଲି, ତ ଏଠି ଆମର ଏମିତି ରୁଲ୍ ଆସୁଛି, ଓକେ, ସେମିତି ରୁଲ୍ ଆସୁଛି, ସେମିତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ବୁକ୍ରେ ଭୁଲ୍ ବି ଅପସନ୍ ଦିଏ, ଓକେ, ତ ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି ନିଜେ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ସୋର୍ସରୁ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ରୁଲ୍ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରୁଲ୍ ହିଁ ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରିବି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରାଇଲି, ସେ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ଆସିଥିବ, ଏଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ସ ରହିଯାଇଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ଓକେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ। ସୋ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।